अच्छा एक्सपीरियंस था. फिल्म में बहुत सीनियर एक्टर्स हैं जैसे राजपाल यादव जी, हितेन देजवानी, फिर संजय मिश्रा जी, सुष्मिता मुखर्जी. और कॉमेडी फिल्म है, बहुत ही लाइट कॉमेडी है. और मेरी और राजपाल जी की जो नटखट सी केमिस्ट्री है, चटपटापन आपको देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर. कॉमेडी करना हाँ इतना इजी नहीं होता, बल्कि सीरियस कैरेक्टर्स करना ज़्यादा इजी होता है. पर एक्चुअली मेरे लिए कॉमेडी करना बहुत नेचुरली निकलता है, क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ घर में भी ऐसे कुछ शरारत करती रहती थी, कॉमेडी करती रहती थी. पर हाँ, जैसे राजपाल यादव जी हैं, उनके साथ टाइमिंग मैच करना इतना ईजी नहीं है. पर अब हम दोनों की जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी स्क्रीन पर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. बहुत बहुत एंटरटेनिंग मूवी है, आप जाके देखेंगे तो आपको हर मोमेंट पे हंसी आएगी. कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कहीं सीरियस नहीं हो रही है मूवी. तो बहुत ही लाइट फिल्म है जो कि फैमिली के साथ लोग देखना पसंद करते हैं. सो राजपाल यादव, हितेन तेजवानी, संजय मिश्रा सभी अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं, उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एक्चुअली मेरी फर्स्ट मूवी सचिन गुप्ता जी के साथ थी, पराठे वाली गली, जो कि लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी. वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरा डेब्यू था एज अ लीड. ये मेरी सेकंड फिल्म है, पर सेकंड फिल्म में इतने सारे सीनियर एक्टर्स थे, तो हाँ मैं थोड़ी बहुत नर्वस थी. पर हमने एक बहुत ही अच्छी टीम की तरह काम किया. सब लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा आया मुझे काम करने में. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलो. हाँ भाई, रोल कैसा रोल? तक ये नहीं कहेंगे तब तक कैसा रोल भाई? ओके, अदा हो जाएगा. नितिन बोले, थोड़ा लुफ, थोड़ा इश्क, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम कह सकते हैं कि एज अ डेब्यू मूवी होगी आपकी, करें हालांकि आपने और भी पहले मैंने मूवी की है. यहाँ मेन लीड में है, मेन लीड में आप बोल सकते हैं कि एक मेन लीड में आ रहा हूँ. और राजपाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे. संजय जी, सुष्मिता जी, सारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, और बहुत सीखने को मिला, क्योंकि ये सब कॉमेडी में माहिर हैं. ये लोग कर चुके हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं. मैंने पहली बार कॉमेडी की, और मैं पता चला है कि हंसाना आसान नहीं है लोगों को, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो हो जाता है. तो वो होना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं ना, इसके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, तो लोगों को हंसा सकते हैं. बहुत सारे पंचेस ऐसे हैं जो हमने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ किए हैं और ऑन द स्पॉट बोले हैं, तो आई एम श्योर लोगों को वो भी पता चल जाएगा कि कौन से लाइंस मेरे हैं और कौन सी मस्ती मैंने की है. मस्ती बहुत की, बहुत प्यार से बनाई, इसके प्रॉपर वर्कशॉप्स हुए, प्रॉपर रिहर्सल्स हुई, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया. प्यार से फिल्म बन गई, पता ही नहीं चला. संजय मिश्रा, राजपाल जी हैं, सभी मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं. बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने मिला इन लोगों से. मैंने यही कहा कि पहली बार मैं मिला राजपाल जी से, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे. फर्स्ट सीन जो हमने किया उसी वक्त राजपाल जी ने बोल दिया, हितेन के तो बहुत ऐसा लग रहा है कि हम लोग चार पाँच पिक्चर कर चुके हैं एक साथ में, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आ रही है. तो मैंने बोला यही चाहिए, घुंगरू झुमरू की केमिस्ट्री यही चाहिए. झुमरू दोस्त है घुंगरू का, तो कैसे पता चलेगा? तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा. संजय जी के साथ भी बहुत कमाल के सीन्स है, बहुत कमाल के सीन्स है, बहुत मतलब वो करते करते हमें हंसी आती थी, तो आई एम श्योर लोगों को भी बहुत हंसी आएगी. संजय जी, नितिन आपसे जानना चाहूँगा, एज एन डेब्यू, जैसे कि हमने बात की, एज एन एक्टर आपकी डेब्यू से खुश है आप? बिकॉज जिस तरह हाँ देखिए क्या है, बॉलीवुड की दुनिया में गए हैं, बड़े बैनर के पिक्चरों में काम किया है, बिग हिट और बड़े बैनर की फिल्में करें. करेक्ट. देखिए ऐसा है ना कि दो चीज़ें होती हैं, या तो आप वेट करो आपको बड़े बैनर की फिल्म मिले, और वेट कब तक करोगे आप, या आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मगर बैनर हो सकता है कि 19-20 हो. यू नो, हर बैनर तो कोशिश कर रहा है बड़े होने की, शुरुआत तो कहीं से होगी. आज इनकी ये फिल्म, ये बैनर की फिल्म, ये फिल्म अच्छी गई, लोगों को पसंद आई, अच्छी निकल गई, रिकवरी भी हो गई, दूसरी फिल्म लाइंड अप हो जाएगी, तो बैनर ऐसे ही खड़ा होगा. तो ये बैनर भी फिर नॉर्मल बैनर नहीं रहेगा, जब दो तीन फिल्में होंगी तो ये भी बड़ा बनेगा. तो कहीं से तो शुरुआत होगी. हम भी जब एक्टर थे तो पहले तो छोटे एक्टर थे ना, धीरे धीरे करके बड़े बने, तो सब कुछ मौका मिलेगा. इस बीच हमें बड़े बैनर की फिल्म आ गई तो हम वो भी करेंगे. यही कहना चाहूँगा, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है जो 10 जुलाई को रिलीज हो रही है. थोड़ा लुत्फ, थोड़ा इश्क आइए, थोड़ा लुत्फ और थोड़ा इश्क उठाइए. थैंक यू. थोड़ी चलते हैं.
भाई क्या कहना चाहेंगे आज मूवी के बारे में अगर बात करें? ये थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क सचिन ने एक बड़ी मासूम सी प्यारी सी एक लाफ राइट एक बड़ी पारिवारिक फिल्म बनाई है और उसमें हमें हिस्सा होने का मौका मिला तो अच्छा लग रहा है कि फिल्म रिलीज होने जा रही है। आपके साथ में और नई नई दो लड़कियां हैं और कितनी मौज मस्ती है फिल्म के दौरान अगर बात करें? मैंने हमारे साथ में जितने भी लोग हैं जितनी भी टीम है विजयंत है नेहा पवार हैं और संजना है और सबसे बड़ी हेतन तेजवानी सब मिला के 5-7 एक्टरों का जो जमा बाड़ा है सब ने बहुत अच्छे से मन से काम किया है और एक दूसरे को कोशिश की है कि कोऑपरेट करके कुछ अच्छा एंटरटेन करने की कोशिश करें और उसी और 10 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगे। किस तरह की फिल्म है सर इसमें बात करें आपका किरदार की बात करें एक हटके किरदार होता आपका डायलॉग भी हटके रहते हैं काफ़ी। फिल्म जब कोई नई फिल्म होती तो 100% सिचुएशन न्यू होती और दूसरी चीज़ बड़ी मोहल्ले की फिल्म है जैसा कि पराठे वाली गली आपने देखा होगा उसी तरीके की एक दूसरी एक मोहल्ले के दो लड़कों झुमरू और घुंगरू नामक लड़कों की कुछ कहानी है जिसमें आपको हमारे आपके बीच के ये सब कैरेक्टर लगेंगे जो लगेंगे ऐसे कैरेक्टर आप हर मोहल्ले में रोज देखते हैं और आप खूब आएँ पॉपकॉर्न खाएँ और अच्छा एंटरटेन करें और हंसते हंसते आएँ हंसते हंसते करें। आइटम सॉन्ग हैं उसमें आपकी अलग ही केमिस्ट्री आइटम सॉन्ग में काफ़ी मस्ती भरा सॉन्ग है क्या पूरी फिल्म है जिसमें एक अभिनेता को गाने से लेके नाचने से लेके डांस करने ड्रामा करने से लेके हर चीज़ में 3-डाइमेंशनल काम करना पड़ता है और जो डायरेक्टर फिल्म के अंदर जब एक बार फिल्म कर रहे हैं तो जो भी करने को बोलता है वो हम लोग एक बाउंड्री में रह के करने की कोशिश करते हैं ईमानदारी से उसके अंदर जो भी है गाना है आइटम है जो भी है वो सब आप लोगों का। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? हाँ हैं 12-17 जो हैं प्रोजेक्ट हैं जिसमें कुछ रीजनल फिल्में हैं बॉलीवुड की फिल्में हैं और हॉलीवुड की फिल्में हैं वन बाय वन अगले 2-3 साल लगातार आपको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जिसमें लगभग सब लीड की ही देखने को मिलेंगे। बस आज तक जो कुछ किया जो भी अच्छा था वो सब आपका जो भी बुरा है वो सब मेरा अच्छा को और बढ़ाऊँगा बुरे कम करूँगा। थैंक यू।